नमस्कार, विमेन बियॉन्ड थॉट के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीकेएन शेखर वाजपेयी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए दीपा सिंह मैम विशेष तौर पे जुड़ रही है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। हाय हाय, कैसी है मैम? ठीक है। आई थिंक अभी आप जॉब करके आ रही हैं, राइट? हाँ, मैं अभी जॉब करके आ रही हूँ। क्या अभी थोड़ा फेसिस करना पड़ता है ना। सो दीपा मैम, विशेष तौर पे अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक करियर काउंसलर के तौर पे हैं और एक अलग कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब एक महिला समाज के विभिन्न आयामों से गुजरती है तो कई तरह के समस्याओं का सामना करती है, कई पहलुओं पे अपनी पूरी जो कहते हैं कि एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसे लगाती है सिर्फ इस बात को महसूस करने के लिए कि परिवार में दो वक्त की सुकून मिले। लेकिन जब वो सुकून नहीं मिलती है तो एक अनुभव हमारे पास एक अलग मिलता है। दीपा मैम, क्या कहना चाहेंगी इस वक्त की जो स्थिति है महिलाओं को लेकर, आपके अपने जीवन के अनुभव से क्या नज़र आता है? मेरा एक ही अनुभव है कि मैं पढ़ना चाहती थी पहली बात तो, लेकिन घर के ऐसे कंडीशन थे कि मैं पढ़ नहीं पाई। एक्चुअली मेरी मम्मी का बहुत ये था, शी इज़ वेरी काम में बहुत ही ये थी, स्ट्रिक्ट थी, और फॉलो करना उनका ये करना। फिर मेरे भाई हुआ, ये वो थोड़ा डिसेबल था, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेजर हो गया, तो पढ़ाई का मन मेरा, मम्मी उनको संभाल नहीं पाती, ऐसे प्रॉब्लम थे कि अकाउंट से भाई के, तो मैं उसके चक्कर में कि मैं छोटी थी, 8-9 साल की थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे भाई के लिए मैं केयर करूं, कि मम्मी ने पूरा ज्वेलरी बेच दी उसके लिए। ही वॉज इन बॉम्बे हॉस्पिटल, 8 ऑपरेशन हुआ है उनका। तो पहले तो डॉक्टर ने बोल दिया था इज इवन मिस बचेगा नहीं है, जिया तो इतना कि क्या बोलूं, पैसे तो हमारे बहुत ही गए उसके पीछे, तो कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था कि उसको कोई ऑपरेशन करे। तो एक मिला, गॉड ग्रेस मिल गया तो हो गया चलो, लेकिन मेरे फ्यूचर का वो तो थम गया, लेकिन फ्यूचर का मुझे उसका टेंशन था कि ये शादी नहीं कर पाएगा पहली बात तो। तो वो मैंने मेंटली 9 ईयर्स में ही मैंने वो दिमाग में बिठा लिया कि मैं जल्दी शादी करूँगी, इसका कोई अच्छा डॉक्टर रहेगा तो इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा, जो मम्मा ने फेस किया इसको नहीं। तो मैं बोला पढ़ाई में से थोड़ा दिल मेरा थोड़ा पीछे गया, बोलते ना 25% थोड़ा पीछे पीछे जाते गई। फिर मैं बोला देखो क्या होता है, फिर वही लड़े होते गया, कैसे कैसे तो हो गया, ऑपरेशन सब हो गया तो। लेकिन भाई भाभी का, बड़े भाई का, फिर तू मैं झगड़े, ई वॉज एडिटर, उन लोगों में झगड़ा भाई भाभी में, फिर मम्मा का क्रैश उन लोगों में, तो मैं एकदम डिस्टर्ब हो गई थी इसमें तो, और मेरा पढ़ाई में और पीछे, क्योंकि घर के काम मेरे ऊपर आ गए। सर्वेंट्स थी, सर्वेंट्स लोग थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुकिंग का मम्मी को बहुत ये था कि ये टाइम पे यही ना, प्रिंसिपल्स हमारे घर में, रूल्स, तो वो मैं फॉलो बचपन से किया, तो आज तक मैं फॉलो कर रही हूँ। एक ही है कि फिर बाद में शादी हुई, शादी में मुझे पता नहीं था, इन लोगों ने बताया कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, अभी हस्बैंड को पता नहीं अच्छा लगे नहीं लगे, मुझे नहीं पता, ये नहीं करती हूँ। लेकिन अभी जो पैसा जिसने देखा है, वो पैसा नहीं देखे आगे चल के उसको कितना फेस करना पड़े, वो मुझे बहुत तकलीफदायक हो गया। दीपा मैम, आपका कहना है कि महिलाएं जब शादी करती हैं और ऐसे घर में जाती है जहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर हो, तो वहाँ पे एक अलग ही सरकमस्टांसेस शुरू हो जाते हैं। सो क्या संदेश है आपका यहाँ पे, और कैसे महिलाओं को स्ट्रांग होने की ज़रूरत है? ऐसे स्ट्रांग है, पहली बात तो मैं तो बोलती हूँ एजुकेशन मस्ट, एजुकेशन लड़कियों में, आई वॉज अ ट्यूटर, मीन्स ट्यूशन लेती थी मैं पहले, आई वॉज अर्निंग, अच्छा कमाती थी मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत 50 स्टूडेंट्स थे मेरे पास, बहुत अच्छे थे, 40-50 स्टूडेंट थे, अच्छा चल रहा था। ये एक गए भाई भाभी के झगड़ा घर में, क्लैशेस, तो मैं बोला अभी मम्मी को बोला मैं कहीं भी, अब मैं कहीं भी शादी करके मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे ना पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो आज तक मुझे नहीं मिला है। पीस बोलते ना, वो आज तक मुझे नहीं मिला, 25 साल हो गए शादी को, अभी दिसंबर में हमारा 25 हो जाएगा, तो मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं मिला। हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, टचवुड इज अ जेल फॉर मी, ऐसा है, लेकिन क्या बोलते ना, हस्बैंड उनकी किस्मत बहुत स्लो है, तो मैं उनके पीछे भाग के, पहले तो बचपना उनका था,
हम लोग सेम एज के हैं, तो बचपना मैं तो एकदम जल्दी मैच्योर हो गई थी लगता है। उन हमारे में बोलते हैं ना लड़के लोग बहुत, यूपी में हमारे बहुत लड़के लोग को बहुत संजो के पालते हैं एकदम। एक ही लड़का था मम्मी का, तो एकदम पाल लाडला जैसे एकदम, कभी ये नहीं देखा है उसने। तो ऐसा उनकी जॉब लगी थी पुणे में, फिर वो निकल गए, फिर बिजनेस किया, बिजनेस में हमारा कुछ ये नहीं हुआ। ऐसा सब होके थोड़ा स्टेबल लाइफ, बच्चे हो गए, फिर थोड़ा छोटा वाला हुआ, बड़ा तो हुआ ही था, वो ठीक था, लेकिन छोटा वाला हुआ उसको भी प्रॉब्लम, वो 2 महीना हॉस्पिटल में था वाड़ी में। तो उसके चक्कर में मैं एकदम पिसती गई, जैसे मेरी लाइफ तो एकदम अंदर ही अंदर घुट रही हूँ मैं अंदर, कि क्या करूँ, बस काम, बोलते ना गधा जैसा काम करते हैं, बस आई वॉज डूइंग दैट। गधे लोग काम करते हैं, बस अपना काम करते रहो, कल का मत सोचो कल क्या होगा, बट रूटीन करते रहो बस। वो बच्चे में फंस गई फिर उसका। मैं कहूँ कि अगर परिवार जो होता है उससे आप थोड़ा दूर रहना चाहती थी, अपनी मन की जो चीज़ें थी, जो पैशन था। मुझे परिवार चाहिए था, लेकिन परिवार में फाइनेंशियल बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। मैं तो आजकल की लड़कियों को बोलती है, जो फाइनेंस रहेगा अच्छा, कमाता जमाता रहेगा, तभी तुम शादी करो, और अगर नहीं है, अगर तुमको प्यार भी करना है इससे, तो तुम स्टेबल खुद अच्छे बनो, पहले खुद अच्छे बनो, ताकि कभी फेसेस ऐसे आए तो यू कैन। खास तौर पे विमेन बियॉन्ड थॉट पे जब आप इस वक्त बैठी हैं, तो वो महिलाएं आपकी कहानी जानना चाहेंगी कि जब एक क्राइसिस में थी तो क्या आज निकल चुकी हैं, निकलने की कोशिश में हैं? सॉल्व हुआ है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, हो रहा है। लेकिन देखो, पढ़ी लिखना मैं इसलिए बोलती हूँ ना, मैं तब कमाती नहीं थी, तब जब मैं शादी करके, बच्चा छोटा था, छोटा उसका तो रह गया ट्रीटमेंट, बिकॉज बोल दिया था कि इसका फिजियोथेरेपी, मैं बहुत 2 महीना उसका सब पानी हुआ, ये हुआ हुआ, वो मैं नहीं बताना चाहती फुल, लेकिन उसके मैं शॉर्टली बताना चाहती हूँ कि उसके पैर का प्रॉब्लम बोले डॉक्टर ने, बोल जब तक मैं थमी नहीं उसका ट्रीटमेंट, जब तक बोला नहीं डॉक्टर ने कि इसका फिजियोथेरेपी अब करो, अब स्टेबल, तब मैं माइंड सेट कर लिया, अब तो कुछ नहीं है, अब मेरे को टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि इसका पागल होने का डर था। डॉक्टर ने बोल दिया था इसको, छोटे वाले को, कि पागल हो जाएगा तू अगर ये नहीं हुआ तो। मैं बोला अब क्या करूँ मैं, तो हो गया, सब हो गया, तो फादर इन लॉ को कैंसर। मैं बोला फिजियोथेरेपी करना है, मैं आराम से बच्चा मेरा चलने लग जाएगा। थोड़े ही साल बाद, एक ही साल बाद सब फाइनेंस, बोला अभी करूँगी अभी। फादर इन लॉ वॉज, मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे थे, बहुत बोले तो बहुत, मेरे को हर चीज़ में, मेरे हस्बैंड का थोड़ा सुनते नहीं थे मेरा, ये एक प्रॉब्लम था। उनको आम बोलो तो इमली करेंगे, इमली कर बोलो तो आम, ऐसा उनका नेचर था, जैसे बचपना बुद्धि थी उनकी। आज मानते हैं कि दीपा मैंने गलत किया ये बात, पैसे जैसे है जिसको भी दे देने का, किसको भी, अरे खुद तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पहले देखो तुम। वो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ में जो संभालती थी, मदर इन लॉ भी बोली बहुत स्ट्रिक्ट थी, बट मैंने उनको संभाला, मैं उनको अच्छे से देखी तब जाके हूँ, नहीं तो मेरा और उनका बॉन्डिंग नहीं जमता। तो ऐसे में महिलाओं के लिए क्या संदेश यहाँ पे हो जाता है, धैर्य के साथ समझ? धैर्य बहुत ज़रूरी है। पहले तो तुम एजुकेशन करो, अपना कुछ बॉन्ड बनाओ, कि सामने वाले को तुम तोड़, अपना मन मत मार, जो जो मैंने दीपा ने किया है वो आप लोग मत करो। मैं आज की लड़कियों को वही बोलना चाहती हूँ कि अपना स्टेबल बनो, खुद अपना बनो कुछ, तब जाके शादी करना। मेरे जैसा नहीं कि अंधे जैसा एजुकेटेड होके शादी कर लो। मैं तो मम्मी को बोला था मुझे मिलना है उनसे, मुझे बात करनी है कि मैं ट्यूशन लेती हूँ, मैं कुछ आगे करना चाहूँगी तो उनके साथ मैं पैचअप करूँ, भले वो ही इज़ पुअर, बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग विथ हिम। ऐसा मुझे उनके साथ कुछ करना था, बट वो बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, हम लोग में ऐसा होता है ना, नहीं करते हैं। तो ऐसी ऐसी बात हो गई है अभी क्या। हालांकि ये तो एक शादी का पहलू है जहाँ पे हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान देकर शादी करनी चाहिए। अब इसके बाद समाज के अगर दूसरे पहलुओं का मैं जिक्र करूँ जो आपके जीवन में जो संघर्ष आई, खास तौर पे एक महिला के तौर पे आपका आपको सामना करना पड़ा, और क्या दूसरा मुद्दा है? सामना तो ये करना पड़ा मुझे, जब कैंसर हुआ पापा को, तो फाइनेंशियल तो हम लोग पूरा लुटा बैठे थे। रहेजा बोले तो पता है आपको कितने पैसे लगते हैं, टाटा में पापा डर गए थे मेरे, तो मैं बोला रातों रात इनका मैं दूसरी जगह, मम्मी के इधर गई, वहाँ से एक आदमी को ये किया,
उससे पूछा, डॉक्टर का नंबर लिया, सब रात को अपॉइंटमेंट लिया, इधर अपॉइंटमेंट लेके कुछ यूज़ नहीं, पापा डर गए थे, बोले नहीं करूँगा मैं दीपा इधर रातों रात, रात को 11 बजे कुर्ला जाके मैंने सब किया, वहाँ से रह जाए दूसरे दिन, साइन लिया डॉक्टर का, सब हो गया। अब पैसे का मेरी सिस्टर लॉ ने थोड़ी हेल्प किया था मुझे, थोड़ा क्या बहुत ही किया है उसने, देखा जाए तो मैं भी उनसे ज़्यादा मेरा हुआ है, क्योंकि मैं फिर बाद में ट्रस्ट में भागने लग गई, जब ख़त्म होने लग गया तो ट्रस्ट में भागने लग गई। अब क्या प्रॉब्लम आ गई कि 2,500 का इंजेक्शन उस टाइम पे 10,000 का इंजेक्शन ऐसा, तो अब बोलो मैं रात को रोने के हाल में इतना केयरिंग नहीं थे, वो करते थे लेकिन मैं उनको नहीं, मैं अपने ऊपर पूरा ले ली थी, ये मैंने गलती की कि पूरा मैंने अपने ऊपर फेस ले लिया था, तो ले लिया। तो रात को 25 का कुछ बोले कि एक आदमी मिला मुझे, रात को मैं बैठी थी ऐसी, दिमाग ऐसी ख़राब था, मैं एक जगह बैठ गई थी, बैठ के रोने लग गई, बहुत रोई रोई रोई, तो एक आदमी बोला क्या हुआ तुमको, तो उसने तो मुझे गलत समझ लिया, तो आप चलो आप क्या, मिला ये प्रॉब्लम है करके, मिला मेरे को थोड़ा 25 की ज़रूरत थी, मेरे को ये लेना था, अरे बोलते अब भी देता हूँ तुझे, तो ये टॉक में एकदम गंदी तरह बात किया उसने, आप चलो मैं आपको देता हूँ, बोला कहाँ चलूँ, बोले ऐसे ही चाय पीते हैं, बोला कहाँ चाय पियेंगे, बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैं बाजू में जाके इतना रोई कि मेरे ये कंडीशन आ गई कि आई हैव टू डू दैट थिंग एंड आई विल गेट द मनी फ्रॉम हिम, सिर्फ 25,000 आई वॉज वर्निंग, आज मैं अगर कमाती तो मेरा 1,00,000-1.5 लाख तो समझो मैं कमा लेती, वही मैंने आज तक वो याद करती हूँ कि मैं एजुकेटेड होके आई एम नाउ अनएजुकेटेड, ऐसा हो गया। इसीलिए मैं यही मुद्दा उठाता लास्ट तक यही बोलूँगी कि लड़कियाँ पढ़े। आज तुमको मोदी ने बोल दिया 18 से 21 तक, अब पढ़ो ना, जितना पढ़ना है पढ़ो, तुम पढ़ सकती हो। मेरे पास तो पीस ऑफ माइंड नहीं था घर में, तब मैं नहीं पढ़ पाई, एक न एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते गए, तो मैं उसमें मेरा बचपना, मेरा ये, मेरा शादी का पूरा मैसअप हो गया है, तो वही कारण है कि पढ़ना है। तो वो आदमी ने मुझे बोला, मैं वहाँ से जो भागी, मैं वहाँ से रातों रात भाग गई, सीधा घर पे आके आ मम्मी को, मेरे मदर इन लॉ को बहुत बोल बोल के, नानी थी मेरी, नानी सास, उनको बोल बोल के रोने लग गई कि ऐसा ऐसा मुझे कोई ऑफर कर रहा है, मम्मी पैसा बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने एक ये किया, ट्रस्ट का ये किया, मैं दुर्गजी टाटा के पास गई, वहाँ मुझे ये हुआ, बस यही एंड है, चालू हो गया। लेकिन पापा सिगरेट पीते थे, इसके लिए कुछ मुश्किल था, अरे मेरे पास तो पैसे भी नहीं रहते थे, वो रोज़ जूस का बहाना देखते थे कि दीपा जूस लाएगी तब मैं पीऊँगा, तो मेरे पास पैसे नहीं रहते, तो भी मैं दुहरी करके, मैं दूसरे दिन रुकी करके जॉब से आते आते जूस बनाना, उनका सब सेवा करके मैं सब कर दिया पापा ने, बिकॉज क्यों, यानी मैंने दिल से किया था। आजकल की लड़कियां तो बोलती है डस्टबिन है, माँ बाप नहीं चाहिए उनको, मैंने खुद सुना है डस्टबिन है, पुराना फर्नीचर है माँ बाप को, लेकिन मैंने तो अपने दिल से, और ये करते ना बोलते ना अपना, ये आजकल की लड़कियां जो चल रहा है ना, जो मैंने संभाला है ना, मेरे माँ संस्कार बहुत अच्छे थे मम्मी पापा के, बोलते ना वो आज नहीं मिलेंगे, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। दीपा मैम, जैसा कि आप महिलाओं के लिए शिक्षा का जिक्र आप कर रही हैं, अगर मैं समाज के और पहलुओं के संदर्भ में अगर जिक्र करूं, किन और मूल्यों पे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या कहना चाहेंगे? आज की लड़कियों को वैसे ही जैसे ट्रेनिंग, कुछ भी कोई भी चीज़ की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, चाहे पढ़ाई के बाद नहीं कर पाई, टेंथ तक की है तो कोई भी कोर्स कर लो या छोटा मोटा कुछ भी कर लो, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपने ऊपर डिपेंड रहो, जो तुम देख सको दूसरों को, ऐसा खुद करो, ट्रेनिंग लो किधर भी, किसी से भी बोल्ड बनो खुद। एक्चुअली मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, थोड़ा जंप करके आई हूँ इसके लिए। ऐसा है कि एकदम अपने आप को एकदम फ्री रखो, कोई बात का ये मत रखो अंदर से डर, ये जैसे मैं हूँ, मैं अंदर से बहुत डरी हुई हूँ, मैं आज भी डरती हूँ, वैसे मैं नहीं चाहती कि आजकल की लड़की बने, अपने आप को एकदम आत्मनिर्भर बने हो, खुद को एकदम बोल रखे, बस
दीपा मैम, आज के दिनों में अगर मैं बात करूँ, आप क्या कर रही हैं, कहाँ पे जॉब कर रही हैं और किस तरह की काम कर रही हैं? मैं तो एक ऐसी छोटा सा जॉब कर रही हूँ, बिकॉज मेरी फ्रेंड ने लगाया था मुझे एक एडमिन हूँ मैं एडमिशन क्लिनिक में, एडमिन प्लस थोड़ा मोड़ा काउंसलिंग कर लेती हूँ बस, रिसेप्शनिस्ट के तौर पे आई एम डूइंग दैट बस। और इसके पहले का अगर मैं जिक्र करूँ, किन किन कामों को आप की? अरे बहुत, मैंने मैं जहाँ जॉब पे जाती थी फादर इन लॉ का मुद्दा कि आप छोड़ दो, छुट्टी ले लेती थी। डॉक्टर बोलते थे मीन्स आप एक काम करो, इनको ही देखो या तो तुम जॉब ही छोड़ो, और जहाँ काम करती थी वो बोलते उनको ही देखो या तो जॉब छोड़ दो। ये दो, इसमें मैं इतने सारे जॉब्स मेरे कम से कम 10-15 में हो गए ऐसे। सो आपका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में? नहीं, बॉर्न एंड बॉटम आई एम फ्रॉम बॉम्बे ओनली। हम लोग जाते ही नहीं। और जौनपुर फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड, मेरे चाचा सब हैं बस। सो लास्ट टाइम कब आपका जाना हुआ? लास्ट टाइम तो मैं शादी के पहले ही गई थी, 25 साल पहले, बट अभी तो नहीं गई हूँ मैं अभी तो। सो आखिर में विमेन बियॉन्ड थॉट के इस मंच पे मैम आप जुड़ी, आखिर में मैं आपका एक मैसेज लेना चाहूँगा। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप खुद की जो बातों को रखी है, कितना इम्पॉर्टेंट मानती हैं कि महिलाओं को इंस्पायर करने में हेल्प करेगी? इंस्पायर, देखो एक बात बोलूँ, मैं जिस दौर से गुजरी हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि सामने वाला वैसे नहीं गुजरे। मैं चाहती हूँ, मैं अपनी दिल की बात बोल रहा हूँ, आपके क्वेश्चन क्या नहीं बोल रही, मैं अपने दिल की बात बोल रही हूँ। जो मैंने फेस किया, जो दूसरे, पैसा नहीं है तो दूसरे अपने को कभी भी वैसा नहीं बनना। तुम लोग अपने एकदम फ्री माइंडेड रहो और अपना बोलते ना, मैं तो एक ही कोशिश में हूँ, कोई मुझे फाइनेंशियल मिल जाता ना, मेरे पास होता ना, तो ऐसी लड़कियों को मैं गाइड करती, मैं फ़ोन नंबर देती कि मेरे पास आओ, तुम ये करो वो करो। मैं ऐसा एक अपना बोलते ना एनजीओ जैसा, एक छोटा सा ओनली फॉर महिलाएं जो मेरी जैसी है, जो घुट के मरी हैं, वो नहीं चाहती कि उन लोग भी ऐसे ही बने, बस मेरा यही चाह। मुझे लगता है मैम जब ये आवाज़ बहुत से लोग सुनेंगे तो डेफिनेटली इन पहलुओं पे काम करने की कोशिश करेंगे और विमेन बियॉन्ड थॉट के इस मंच पे आप आई। मैं तो यही चाहती हूँ कि बस महिलाएं एकदम आगे बढ़े, मोदी जैसी सरकार आई है, और क्या चाहिए आपको? मैं तो बोलती हूँ बॉम्बे में भी करें कुछ, महिलाओं के लिए कुछ करें, ठीक है ऐसा। मैम आप अपनी राय विशेष तौर पे रखें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।